नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 जून। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 162 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद में बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 7,665 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो बांका में 9, भागलपुर में 11, भोजपुर में 7, बक्सर में 1, दरभंगा में 33, जहानाबाद में 3, कटिहार में 6, किशनगंज में 3, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 11, मुंगेर में 2, नालंदा में 2, नवादा में 3, पश्चिम चंपारण में 2, पटना में 15, पूर्णिया में 7, रोहतास में 7, समस्तीपुर में 18, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 10 और वैशाली में 1 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 5,631 पर। बिहार में कोविड 19 के नए मामलों की पुष्टि लगातार की जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 156,926 सैंपल की जांच में से बिहार में 7,602 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5,631 मरीजों के ठीक होने की पुष्टि भी कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने पटना मेट्रो में निकाली रिक्तियां। नगर विकास विभाग ने पटना मेट्रो में बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसके तहत अब आम नागरिकों को भी पटना मेट्रो में नौकरी करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जारी किए गए जानकारी के अनुसार डीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो के 188 पदों को 3 ग्रेडों में बांटा गया है। पहला सेगमेंट वेतनमान के तहत एंट्री लेवल के पद होंगे, दूसरा बेसिक रेट के उत्तर का वेतनमान जो प्रोन्नति पद के लिए होगा, और तीसरा संविदा आधारित पदों का सृजन किया जाएगा, जिसके तहत 30 पदों के लिए जुलाई में इंटरव्यू होने हैं। योग दिवस के अवसर पर बिहार में देखने को मिला अद्भुत नजारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर बिहार में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पर राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में योगा करते हुए अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तस्वीर भी जोर शोर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें रामविलास पासवान अपने परिवार के साथ योग करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग करते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का भी परिवार संग योगा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। स्कूली छात्रों के खाते में करोड़ों रुपए भेजेगी सरकार। बिहार सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब सभी स्कूली छात्रों के खाते में 600 करोड़ भेजने की तैयारी की जा रही है। खबरों की माने तो अगले सप्ताह तक यह राशि छात्रों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों की किताबों की खरीदारी के लिए अगली कक्षा में प्रमोट किए गए छात्रों के खाते में यह राशि भेजने का निर्णय सुनाया था। बिहार में सूर्य ग्रहण खत्म होते ही देर शाम तक स्नान दान करते दिखे लोग। बिहार समेत पूरे देश में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, जहां पर राजधानी पटना में सुबह 10:37 पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, जो कि 2:04 तक जारी रहा। वहीं मुजफ्फरपुर में यह ग्रहण 10:38 से शुरू हुआ, जो 2:10 तक जारी रहा। भागलपुर में सुबह 10:42 पर शुरू हुआ ग्रहण 2:14 तक जारी रहा। हालांकि बिहार में सूर्य ग्रहण पर मानसून ज्यादा हावी दिखाई दिया। हालांकि ग्रहण खत्म होने के बाद पटना में स्नान ध्यान और पूजा पाठ जोर शोर से देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने की बढ़ी संभावना। बिहार के कई जिलों में मॉनसून की वजह से बारिश होने की संभावना आज लगातार बरकरार है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे में बिहार के पटना, गया, पूर्णिया और भागलपुर जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत आरा, बक्सर समेत शाहबाद क्षेत्र के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए होने की संभावना है। वहीं अन्य जिलों में बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। हालांकि बिहार में इस साल हुए बारिश ने किसानों को काफी ज्यादा राहत मिली है। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आगे से बॉलीवुड के कवर सॉन्ग को नहीं गाने का किया ऐलान। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए कदम के बाद से काफी ज्यादा दुखी हैं। सुशांत के जाने के बाद बीते दिन मैथिली ने दर्शकों से अपनी भावनाओं को शेयर किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशांत के जाने के बाद जिन चीजों की चर्चा हो रही है उनका सामना उन्हें भी करना पड़ा है। मैथिली के साथ भी भेदभाव ने मैथिली का आत्मविश्वास तोड़ने का काम किया था। इसके साथ ही अपने भाई के साथ यूट्यूब चैनल पर आकर उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि उनके यूट्यूब चैनल पर अब बॉलीवुड का कवर सॉन्ग नहीं डाला जाएगा। बिहार में कोविड 19 की वजह से अब तक 51 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में अब तक कोविड 19 की वजह से 51 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब दरभंगा जिले में 5 मरीजों की जान गई है। बेगूसराय और सारण में 4-4 लोगों ने अपनी जान दे दी है। इसके साथ ही खगड़िया, नालंदा और वैशाली में 3-3 लोगों की जान चली गई है। वहीं भोजपुर, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, सीतामढ़ी और सिवान में 2-2 अन्य मरीजों की जान भी जा चुकी है। वहीं अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर और शिवहर में 1-1 मरीज की कोविड 19 की वजह से जान जा चुकी है।
नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से बिहार की बढ़ सकती है परेशानी। नेपाल के तराई इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार में एक बार फिर से बाढ़ उत्पन्न होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि तराई इलाके में बारिश के कारण बिहार के गंडक में उफान की स्थिति देखने को मिल रही है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 163,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी उफान पर है, जिसके बाद कई निचले इलाके में बाढ़ की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन को भी सचेत कर दिया गया है। जल्द ही भेज दी जाएगी ग्राम पंचायतों को 1254 करोड़ की राशि, जिसका ऐलान बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। खबरों की माने तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार के पंचायतों के विकास के लिए 1254 करोड़ रुपए की राशि पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज के अनुसार मोतिहारी को जहां 45 करोड़ दिए जाने का फैसला सुनाया गया है, वहीं शेखपुरा जिले को कम से कम 547 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया गया है। हालांकि किस पंचायत को कितना पैसा दिया जाना है, इसका निर्धारण ग्राम पंचायतों की संख्या और वहां की आबादी के अनुरूप जिलावार राशि के तहत किया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में हजारों सहायक प्राध्यापकों की जल्द होगी नियुक्ति। बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवाए जाने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत लगभग 9000 सहायक प्राध्यापकों की बहाली का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सभी विश्वविद्यालयों में गिनती का काम पूरा कर लिया गया है और वास्तविक सीटों की संख्या जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जल्द ही मैराथन बैठक कर आरक्षण के रोस्टर को भी क्लियर किया जाएगा। नेपाल ने भारत की बेटियों को 7 साल बाद नागरिकता देने का किया ऐलान। भारत और नेपाल के बीच का संबंध रोटी और बेटी का शुरू से बताया जाता है। खासतौर पर बिहार का नेपाल के साथ यह रिश्ता बेहद ही खास है, क्योंकि हर साल बिहार से कई बेटियों की शादी नेपाल में करवाई जाती है, लेकिन अब नेपाल से बिगड़ते रिश्तों का असर बेटियों को देखना पड़ सकता है। हाल ही में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत से शादी करके नेपाल आई भारत की सभी बेटियों को नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करने का फैसला सुनाया है। हालांकि पहले भारतीय महिलाओं को शादी के तुरंत बाद नागरिकता मिल जाती थी। आज से शुरू होगी मैट्रिक की कॉपियों की दोबारा जांच की प्रक्रिया। बिहार में आज से मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू करवाई जा रही है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी 30 जून तक जारी रहेगी, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए कई स्कूल में मूल्यांकन केंद्र बना दिए गए हैं, जिसके तहत जो परीक्षार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दिए जाएंगे पेट्रोल, मास्क और सैनिटाइजर। सहरसा सहित पूर्व मध्य रेल के दूसरे स्टेशन के मल्टीपर्पज स्टॉल में अब सभी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बेडशीट, तकिया, सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स भी दिया जाएगा, जिसकी जानकारी रेलवे विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के इस माहौल में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह सुविधा बहाल करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कोविड-19 के माहौल को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन के एसी कोच में दी जाने वाली बेडशीट, तकिया, तौलिया की सुविधा को बंद कर दिया था। सुशील कुमार मोदी ने भारत और नेपाल के रिश्ते में फूट आने की बात से किया इनकार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेपाल से भारत का धार्मिक सांस्कृतिक रिश्ता बताते हुए इसे अटूट करार दिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में बिहार जनसंवाद के तहत आयोजित वर्चुअल रैली को संबोधित करने के दौरान कहा कि गलवान वैली में जो भी हुआ उसके बाद सीमा पर तनाव की स्थिति जारी है, और वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल के बढ़ते तनाव पर कहा कि श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या और मां जानकी की भूमि जनकपुर का संबंध सदियों से अटूट है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सामने इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने की मांग की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि देश में महिलाओं के साथ हो रहे अप्रिय वाक्य को देखते हुए पूरा समाज इस समय में परेशान है, और ऐसे में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुचित सामग्री पर रोक लगाए जाने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। अब घर बैठे बैठे आसानी से कर सकेंगे खादी की खरीदारी। बिहार में खादी का बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। अब लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए खादी बोर्ड ने अपने एक ऐप विकसित करने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत खादी बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर घर बैठे बैठे कपड़ों और अन्य उत्पादों की खरीदारी आसानी से की जा सकेगी। जब सब कुछ सही चला तो यह ऐप अगले महीने तक विकसित हो जाएगा, जिसे प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग का भी विस्तार होगा।
उपेंद्र कुशवाहा ने की एसटीईटी में कॉमर्स विषय को भी जोड़ने की अपील। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एसटीईटी परीक्षा को लेकर सरकार के सामने अहम अपील की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसटीईटी में कॉमर्स विषय को शामिल किया जाए। वर्तमान समय में सरकार कॉमर्स विषय वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कॉमर्स के समय का एक मुख्य संकाय है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है और यही कारण है कि एसटीईटी की परीक्षा में कॉमर्स को जोड़ा नहीं गया है। योग दिवस के नाम पर बिहार में खूब दिखी राजनीति। बीते दिन बिहार में योग दिवस के नाम पर राजनीति जोर शोर से देखने को मिली। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने जहां एक तरफ कहा कि योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई है और यही कारण है कि योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है, जिस पर राजद के विधायक भोला यादव ने सरकार पर ही तंज कसा और उन्होंने कहा कि लगातार योग का प्रश्न उठाता रहा हूं कि एक समय बिहारियों का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुंगेर में योग प्रशिक्षण का स्थापना तो हो गया, लेकिन आज तक बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में योग के मास्टर डिग्री का संचालन की पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। यह बेहद ही चिंताजनक विषय है। तेजस्वी यादव ने 15 साल के कार्यकाल में हर दूसरे घर से पलायन होने का किया दावा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 15 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में राज्य के हर दूसरे घर के लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में कमाने खाने के लिए मजबूरी में जाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद श्रमिकों को बिहार में रोजगार नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि अपना भरण पोषण करने के लिए मजबूरी में उन्हें वापस पलायन करना पड़ रहा है। नीतीश सरकार देश की सबसे नकारा विफल सरकार साबित हुई। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की उठी मांग। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया। हालांकि अभी भी बिहारवासी समेत पूरा भारत इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। वहीं इसी बीच बिहार में लोजपा नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग उठाने लगी है। यही फिल्म बिहार के कई बड़े पर्दों पर रिलीज की जाएगी। साथ ही बिहार सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग भी की गई है। इसके लिए लोजपा नेताओं ने पटना में सुशांत सिंह राजपूत की याद में श्रद्धांजलि नाम से एक पोस्टर भी लगाया है। अब मालगाड़ी दौड़ेगी दोगुनी रफ्तार से, जिसकी जानकारी पूर्व मध्य रेलवे ने दी है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 19 और 20 को 55 से 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियों का परिचालन करवाया गया था। खबरों की माने तो मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने से व्यापारी वर्ग को काफी ज्यादा फायदा मिला है। जो मालगाड़ी अब तक 24 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान करती थी, वहीं अब 12 से 14 घंटे में सामानों को पहुंचाएगी। रिटायरमेंट के बाद अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं युवराज सिंह। दो बार वर्ल्ड कप विजेता रह चुके युवराज सिंह क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद काफी ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं, जिसका खुलासा युवराज सिंह ने खुद किया है। युवराज की माने तो उनके जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, जिसकी वजह से यह जीवन में काफी सुकून महसूस। एक मीडिया हाउस से लाइव चैट के दौरान उन्होंने बताया कि जिस दिन मैं रिटायर हुआ मुझे बहुत आजाद महसूस हुआ। जाहिर तौर पर एक भावनात्मक क्षण था, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वास्तव में बहुत अच्छा महसूस हुआ। फेसबुक के लिए एक सर्विस को iOS स्टोर पर जगह देने से एप्पल ने किया इनकार। फेसबुक के एक सर्विस को iOS स्टोर पर जगह देने के लिए एप्पल ने इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो यह एप्पल iOS स्टोर पर फेसबुक के गेमिंग ऐप को रिजेक्ट कर रहा है। कंपनी ने ऐसा करने के पीछे उसका खुद का प्रोडक्ट एप्पल ऑर्किड गेमिंग का कारण बताया है, क्योंकि अगर एप्पल फेसबुक गेमिंग का स्टोर पर उपलब्ध करवाता है तो यह कंपनी के लाइव स्ट्रीम गेमिंग सर्विस एप्पल ऑर्किड के लिए सही साबित नहीं होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्याम शर्मा, राजदीप कुमार, प्रतिमा देवी, निरोज कुमार, गोविंद कुमार, सुबोध कुमार, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार, प्रशांत प्रियदर्शी, बालकृष्ण कुमार, पिंटू कुमार, उदय यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के कलाकारों को निखारने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।